हमारा अगला काम होगा थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। एक वर्ड यूज किया फ्रिंज। फ्रिंज का क्या मतलब होता है? हमने देखा है कि स्क्रीन पे, देखा नहीं है बल्कि पढ़ा है कि स्क्रीन पे अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आते हैं, उन अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स को ही क्या नाम दिया जाता है? फ्रिंजेस। फ्रिंजेस का मतलब है कि दीज आर द डार्क एंड ब्राइट बैंड्स अपियरिंग ऑन स्क्रीन। डार्क एंड ब्राइट बैंड्स अपियरिंग ऑन स्क्रीन, दीज आर द फ्रिंजेस। अब हमें फ्रिंजेस कैसी होती हैं, क्या इक्वली स्पेस्ड होती हैं, एक फ्रिंज का साइज क्या होता है, दो फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन क्या होता है, ये सब स्टडी करते हैं। शेप ऑफ द फ्रिंज इस क्लास में नहीं, अभी हम स्क्रीन को यूं दिखाएंगे, जब स्क्रीन सामने से देखेंगे तो उसकी शेप पता लगेगा, अभी तो हम यूं देखेंगे। तो मैं साइड से बस खाली कहां फ्रिंज है इतना हम पता लगा रहे होंगे। तो आपने वही अरेंजमेंट बनाया, एक मेन सोर्स बिल्कुल सिमेट्रिकली लोकेट करके दो पिन होल, एक स्लिट होल S1, एक स्लिट होल S2, और आप इससे आगे गए कैपिटल D डिस्टेंस आगे गए और ये दूरी आपने मान ली स्मॉल d, और यहां पे है स्क्रीन, वही जो लास्ट टाइम आप बना रहे थे डायग्राम आईडीएससी वाला। अब देखो स्क्रीन पे अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स तो मिलेंगे और वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि भी कितना है। बिल्कुल यहां अगर मैं देखता हूं तो जो पाथ डिफरेंस है वो है जीरो। पाथ डिफरेंस अगर जीरो है तो फेज डिफरेंस भी जीरो होगा। मान लो लेट आई नोट इंटेंसिटी आ रही है दोनों से, यहां से भी आई नोट यहां से भी आई नोट, तो यहां जो आई मैक्सिमम होगी That will be equal to 4 I not। मैं इसको हटा रहा हूं कि फ्रिंज का मतलब मैंने बताया था बस आपको क्या होता है। अब देखो आगे, बिल्कुल यहां एक ब्राइटनेस महसूस होगी, एक ब्राइट बैंड होगा, दिस इज नोन एज ब्राइट फ्रिंज। आप कुछ ऊपर जाओगे, यहां अगर आप देखते हो तो एस वन पी छोटा हो गया, एस टू पी बड़ा हो गया। लेट द पाथ रेफरेंस बी, मान लो मैं डिफाइन कर दू, लेट डेल्टा एक्स बी एस टू पी माइनस एस वन पी। आप ऊपर आ रहे हो तो एस टू पी बड़ा है, एस वन पी छोटा है, तो ये पॉजिटिव आएगा। मैंने देखा थोड़ी दूर जाके, सपोज ये हो गया लेमडा बाई टू, अगर पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई टू होता है तो आधी वेव एक्स्ट्रा चल के आई है ये, इसका मतलब फेज डिफरेंस पाई हो गया। आप उस रिलेशन से भी निकाल सकते हो, फाई इज इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा इन टू डेल्टा एक्स, उससे भी आप निकाल सकते हो। और जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे 4 आई नोट को स्क्वायर 5 बाई टू मतलब पाई बाई टू, तो आई मिनिमम हो जाएगा एंड इट विल कम आउट टू बी जीरो। सो दिस इज डार्क फ्रिंज, दिस इज ब्राइट फ्रिंज। अब फ्रिंज अभी बताएंगे कहां तक। फिर आप थोड़ा ऊपर गए यहां पे, और मान लो डेल्टा एक्स हो गया लेमडा, सपोज यहां डेल्टा एक्स हो गया लेमडा। अगर डेल्टा एक्स लैम्डा हो गया तो जो फाई होगा इट विल बी टू पाई, और फाई अगर टू पाई होगा तो फिर दोबारा आप निकालेंगे और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल के आएगी एंड इट विल कम आउट टू बी फोर आई नोट। अब मैं थोड़ा नीचे हूं, यहां पे डेल्टा एक्स हुआ माइनस लैम्डा बाई टू, माइनस इसलिए मैंने ये डिफाइन किया डेल्टा एक्स। अब यहां देखोगे तो एस टू पी छोटा है, एस वन पी बड़ा है, तो ये नेगेटिव आएगा, मतलब अल्टीमेटली लैम्डा बाई टू है, और लैम्डा बाई टू का डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस पाई का है, और फिर से आई मिनिमम हो जाएगा और ये जीरो होगा। और आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो डेल्टा एक्स, मैं इसको भी हटा देता हूं कुछ दूरी के लिए, कुछ देर के लिए, मान लीजिए माइनस लैम्डा हो गया तो जो फेज डिफरेंस है वो टू पाई हो गया, एंड यहां से अगर आप आई देखें तो फिर से मैक्सिमम हो गया एंड इट इज कमिंग आउट टू बी फोर आई नोट। अब अगर मैं स्क्रीन पे फ्रिंजेस बनाऊं तो देखो यहां ब्राइट है, यहां डार्क है। एक्चुअली फ्रिंज तो एक बैंड होती है, बैंड बैंड की कुछ तो विड्थ होगी, तो कितनी दूर तक डार्क और कितनी दूर तक ब्राइट वो देखना है। तो ऑन एन एवरेज अगर इंटरफेरेंस नहीं होता, अगर इंटरफेरेंस नहीं होता, मैं कहता हूं यहां से इंटेंसिटी आई नोट आई, यहां से इंटेंसिटी आई नोट आई,
हमने पढ़ा है कि अगर इंटरफेरेंस नहीं होता तो स्क्रीन पे हर जगह यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होता है और टोटल इंटेंसिटी हो जाती है I1 plus I2 means I0 plus I0 means 2I0। तो जहां जहां इंटेंसिटी 2I0 से ज्यादा होगी वो ब्राइट फ्रिंज का पार्ट होगा, और जहां जहां इंटेंसिटी 2I0 से कम होगी वो डार्क फ्रिंज का पार्ट होगा। देखिए फिर दोबारा सुन लीजिए, अगर इंटरफेरेंस नहीं होता तो एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होता, और यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होता तो स्क्रीन पे हर जगह इंटेंसिटी होती 2I0। अब जहां जहां 2I0 से ज्यादा इंटेंसिटी वो ब्राइट फ्रिंज का पार्ट होगा, और जहां 2I0 से कम है वो डार्क का। तो आप देखें ये 4I0 और ये 0, तो बीच में कहीं ऐसा पार्ट आएगा जहां पे इंटेंसिटी हो जाएगी 2I0। सिमिलरली इधर भी 4I0 से और 0 के बीच में कोई ऐसा पार्ट आएगा जहां इंटेंसिटी होगी 2I0। अब 2I0 के बीच में 4I0 आ रहा है, मतलब अगर मैं कहूं कि ये जो पार्ट है ये इतना पार्ट, ये मैं स्क्रीन पे, अब स्क्रीन तो यूं है, ये स्क्रीन है, ये जो आपकी स्क्रीन है दरअसल हम तो इसको साइड से देख रहे, तो हमें शेप ऑफ द फ्रिंज नहीं पता लग रहा, लेकिन ये पता लग रहा है कि इस इलाके में कैसी फ्रिंज होगी। इस इलाके में अगर इंटरफेरेंस नहीं होता तो केवल 2I0 इंटेंसिटी होती है, और अब इस पूरे पोर्शन में 2I0 से ज्यादा ही है, तो ये इलाका जो है दिस विल बी काउंटेड एज ब्राइट फ्रिंज। ये जो पार्ट होगा दिस विल बी योर ब्राइट फ्रिंज, और ये है सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। अब इसके ऊपर अगर आप देखते हो, इससे ऊपर 2I0 से कम होने लगी इंटेंसिटी और जीरो तक गई, 2I0 से कम होके जीरो एंड वापिस यहां फिर से 2I0 तक बढ़ेगी। तो अब अगर मैं एक इलाका बनाऊं, ये यहां से यहां तक 2I0 और जीरो के बीच में घूम रही है, तो अगर इंटरफेरेंस नहीं होता तो 2I0 तो रहती, अब तो उससे भी कम है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगी, इट विल बी काउंटेड एज डार्क फ्रिंज। तो ये जो होगी ये, इसको हम बोलेंगे कि ये है हमारी डार्क फ्रिंज। सिमिलरली नीचे भी देखो, ये 2I0 ये 0, तो बीच में कहीं होगा 2I0, और 2I0 से 2I0 तक ये जो पार्ट है इट विल बी अगेन काउंटेड एज ए डार्क फ्रिंज। तो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज आते हैं इक्वल स्पेसिंग इक्वल विड्थ के साथ, इस तरह से चलते हैं अगर ओनली इंटरफेरेंस हुआ हो तो। इससे ऊपर आप देखते हैं फिर 2I0 से 4I0 और ऊपर तक जाएगा तो ये 2I0 तक, जहां तक भी जाएगा 2I0 तक, और ये आपकी हो जाएगी नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ये जो पार्ट आना है दिस विल बी अगेन अ ब्राइट फ्रिंज, दिस इज अगेन अ ब्राइट फ्रिंज। इससे नीचे भी अगर आप देखेंगे 2I0 से 4I0 एंड देन अगेन 2I0, ये जहां तक भी जाएगा ये फिर से आपका एक ब्राइट फ्रिंज के रूप में काउंट होगा। तो ये आपकी फ्रिंजेस होती हैं और इस तरह से बनती हैं कि अगर इंटरफेरेंस नहीं होता, अगर इंटरफेरेंस नहीं होता तो हर जगह 2I0 इंटेंसिटी होती है, अब जहां 2I0 से ज्यादा है वो ब्राइट फ्रिंज का पार्ट है, और जहां 2I0 से कम है वो डार्क फ्रिंज का पार्ट। अब यहां दो टर्म्स डिफाइन होती हैं, सबसे पहली जो जरूरी टर्म है जो ज्यादा यूज होती है दैट इज फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, एंड उसको सिंबल दिया जाता है बीटा। पहली जो टर्म है दैट इज बीटा, फ्रिंज विड्थ। अब देखिए फ्रिंज विड्थ का मतलब एक फ्रिंज की विड्थ नहीं होती है, ये बात ध्यान रखें। फ्रिंज विड्थ का मतलब है सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ आइदर टू कंजिक्यूटिव मैक्सिमा और टू कंजिक्यूटिव मिनिमा, टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज और टू कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंज। फ्रिंज विड्थ का मतलब है सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स ऑफ, फ्रिंज विड्थ का मतलब है सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और टू कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज हैं या दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंज हैं, उनके बीच के सेपरेशन को हम बोलते हैं बीटा। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें, देखो दिस इज द सेंटर ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज, नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये ब्राइट है वो ब्लैक वाली ब्राइट है, तो उसका सेंटर ये है,
सेंटर टू सेंटर दो ब्राइट ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की ये जो दूरी है दिस इज बीटा, और या फिर तो डार्क लीजिए, ये रेड कलर वाला एक डार्क है जो मैंने यहां दिखाया, दिस इज अ डार्क फ्रिंज सेंटर, इससे नीचे डार्क ये रहा, दिस इज अगेन ए डार्क फ्रिंज सेंटर, दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के सेंटर के बीच की दूरी भी बीटा है, तो ये आपका होता है बीटा। चाहे आप नीचे देखो, ये एक ब्राइट फ्रिंज है, ये एक ब्राइट फ्रिंज है, और दो कंजिक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच की दूरी, सेंटर्स के बीच की दूरी अगेन आपकी बीटा। तो फ्रिंज विड्थ का क्या मतलब है, विड्थ ये एक फ्रिंज की विड्थ नहीं है, फ्रिंज विड्थ का मतलब है कि दो कंजिक्यूटिव एक जैसी जो फ्रिंजेस होगी, दो डार्क या दो ब्राइट, उनके सेंटर्स के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अब ये जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होती है इक्वली स्पेस्ड होती है और बीटा सबके लिए सेम होता है। ये जो फ्रिंजेस आती हैं, ये जो इंटरफेरेंस, देखो हम बात कर रहे हैं ओनली इंटरफेरेंस की, कोई डिफ्रेक्शन इफेक्ट नहीं अभी, अगर ओनली इंटरफेरेंस होता है तो जो फ्रिंज विड्थ आती है इक्वली स्पेस्ड होती है और इक्वल विड्थ की होती है, इस तरह की ये फ्रिंजेस आपको यहां पे मिलती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एक फ्रिंज की विड्थ की, तो उसे मैं कहूं कि ब्रेड्थ ऑफ अ फ्रिंज, ब्रेड्थ ऑफ अ फ्रिंज इज कॉल्ड लाइन विड्थ। ब्रेड्थ ऑफ अ फ्रिंज, एक फ्रिंज की जो चौड़ाई है उसे लाइन विड्थ बोलते हैं, और आप देखो एक बीटा में कितनी फ्रिंजेस आ रही हैं। जैसे अगर मैं यहां से यहां जाऊं, एक कंप्लीट डार्क फ्रिंज, आधी ब्राइट फ्रिंज, आधी ब्राइट फ्रिंज, यानी कि दो फ्रिंज होगी, वन हाफ एंड हाफ। जैसे आप यहां देखो, कंप्लीट ब्राइट, आधी डार्क, यानी कि एक फ्रिंज विड्थ में दो फ्रिंजेस कवर हो रही हैं। इसका मतलब कि जो फ्रिंज विड्थ होती है, जिसको आप फ्रिंज विड्थ बोल रहे हो, जिस टर्म को आप बीटा बोल रहे हो, दिस इज टू टाइम्स लाइन विड्थ। लाइन विड्थ होती है एग्जैक्ट विड्थ ऑफ अ फ्रिंज। तो अगर मुझे बीटा पता लग जाए तो एक फ्रिंज की जो विड्थ होगी, एक फ्रिंज की जो ब्रेड्थ होगी, वो बीटा का हाफ हो जाएगी, बीटा से बिल्कुल आधा। तो अब अगर मैं यहां पे निकालना चाहूं बीटा का एक्सप्रेशन, अगला काम अगर हम इसमें देखें एक्सप्रेशन फॉर बीटा क्या होगा, तो अभी जस्ट पिछले क्लास में हमने वाई और डेल्टा एक्स में रिलेशन निकाला था, उसी का हम यूज करेंगे, वाई और डेल्टा एक्स के रिलेशन का हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन फॉर बीटा निकालने के लिए। देखो आप इस पॉइंट पे आओ, यहां ये जो पॉइंट है, S2 से वेव चल के गई और इस S1 से वेव चल के गई, दिस इज नोन एज सेंट्रल मैक्सिमम, देन दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमम, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, एक सेंट्रल मैक्सिमम है और एक फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम है, और फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम पे पाथ रेफरेंस है लैम्ब्डा, और स्क्रीन के सेंटर से जिसको हम सी बोलते थे पिछले लेक्चर में, उससे इसकी जो लीनियर डिस्टेंस है जिसको हम वाई से डिनोट करेंगे, वाई आपको दिख रहा है बीटा, वाई आपको दिख रहा है बीटा, यानी कि इफ डेल्टा एक्स इज लैम्ब्डा, ये हमें दिखता है यहां से, इफ डेल्टा एक्स इज लैम्ब्डा देन वाई इज बीटा। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि जो पिछली क्लास में जो पढ़ाया वही चीज यहां कंटिन्यू हो रही है, तो डेल्टा एक्स इज लैम्ब्डा देन वाई इज बीटा, ये हम सीधा यूज कर रहे हैं यहां पे। अब देखो क्या रिलेशन था डेल्टा एक्स और वाई में, मैंने कहा था इस तरह से याद रखना, वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी, ये हमारा रिलेशन है। तो अगर मैं ये वैल्यूज इसमें पुट करूं तो एक बार में एक्सप्रेशन आ रहा है बीटा इज इक्वल टू लैम्ब्डा अपॉन स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी, ये हमें याद रखना है, फ्रिंज विड्थ इंटरफेरेंस में ये होती है लैम्ब्डा अपॉन स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी, दिस इज द फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस, और सारी फ्रिंजेस इक्वली स्पेस्ड होती है, बीटा कॉन्स्टेंट रहता है अगर हम सिंपल इंटरफेरेंस की बात करें, कोई स्पेशल कंडीशन पे ना जाए तो। ठीक है, अब ये जो बीटा आया, अगर बोर्ड एग्जाम में, अगर आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में प्रूव करना हो तो खाली डायरेक्ट ये मत लिखना, पहले ये प्रूव करके दिखाना वो पाइथागोरस से, जैसे हमने पिछली क्लास में किया, और उससे
फिर आप यहाँ पे पुट करेंगे और देन आप ये चीज वहां पे दिखा पाएंगे। अब ये ध्यान रखना बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के अगर डीओडी चेंज नहीं हो रहे, बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल डी के एंड बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल डी के। एक एक चीज का मैं मतलब बताता हूँ। बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, क्वेश्चन आ जाए, आ चुका बोर्ड एग्जाम में आपके एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ना डी चेंज किया ना कैपिटल डी चेंज किया ना स्मॉल डी ना कैपिटल डी, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप उठा के पानी में डाल दिया, तब बताओ फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप उठा के पानी में डाल दिया तो आपको यह बताना है कि अब फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आप एयर की बजाय किसी मीडियम में जाते हैं तो स्पीड भी कम होती है और वेवलेंथ भी कम होती है। तो अगर आप एक मीडियम में जाएंगे तो वेवलेंथ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स टाइम्स कम हो जाएगी, तो लैम्डा कम हो गया तो अल्टीमेटली बीटा भी कम होगा। तो ऐसा सवाल आ सकता है, आ चुका है, मैं कह रहा हूं फिर से आ सकते हैं कि अगर आपने पूरा यहां से उठा के किसी डेंसर मीडियम में डाल दिया, एयर के मुकाबले किसी भी डेंसर मीडियम में, तो जितना उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, जितना उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, उतने टाइम्स बीटा कम हो जाएगा। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, इस पे मैं आता हूं। अगर ये डबल स्लिट अरेंजमेंट चेंज करके और दोनों स्लिट को और भी पास पास कर दें, वैसे तो पास होती है मिलीमीटर की रेंज में है, पर और भी पास कर दिया, माइक्रोमीटर में पहुंचा दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा स्क्रीन पे? देखो डी आपने छोटा किया, डी आपने छोटा किया तो बीटा बड़ा हो गया। बीटा इतना बड़ा हो जाता है कि हो सकता है जितनी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, बीटा इतना बड़ा हो गया कि लाइन विड्थ ही बड़ी होगी, क्योंकि लाइन विड्थ बीटा का ही तो आधा है। अगर बीटा बड़ा है तो एक फ्रिंज की विड्थ भी बड़ी होगी, लाइन विड्थ। हो सकता है कि जितनी स्क्रीन आपको दिख रही है उस पर एक ही फ्रिंज आए, आपको अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज नजर ही नहीं आएंगे, तो इंटरफेरेंस पैटर्न आप देख नहीं पाओगे। अगर आप डी को बहुत छोटा कर देते हो तो बीटा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बीटा बाई टू भी बड़ा हो जाएगा, तो एक ही फ्रिंज स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर लेगी और आप अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज नहीं देख पाएंगे। दूसरा, अगर आप डी को बड़ा कर दें, क्यों ये मीटर में नहीं लिया है, मिलीमीटर में लिया, अगर आपने डी को बड़ा किया तो बीटा छोटा हो गया। नाउ बीटा इज द सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस। अब दो ब्राइट फ्रिंज बहुत पास पास होगी तो क्या उनके बीच में अंधेरा ऑब्जर्व हो पाएगा? एक ब्राइट फ्रिंज है, एक ब्राइट फ्रिंज और बिल्कुल पास पास है, तो बीच में डार्क फ्रिंज तो महसूस ही नहीं होगी, पता ही नहीं लग पाएगा, तो वहां भी इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है। तो ये स्मॉल डी पे डिपेंडेंस। अच्छा, अब आओ बीटा कैपिटल डी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। अगर मैं इस स्क्रीन को थोड़ा दूर करूं, ये था कैपिटल डी, अगर मैं इस स्क्रीन को थोड़ा दूर करूं तो अपने आप ये सेपरेशन बढ़ता चलेगा। देखिए, अगर मैं स्क्रीन को इधर बना दूं तो ये यहीं रहेगी और ये आप सेंटर ऑफ द स्क्रीन से ज्वाइन करूं, ये पॉइंट दूर हो जाएगा सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, अभी मैं करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, ये यहीं रहना है और ये थोड़ा दूर चला जाएगा। तो जो बीटा पहले ये था, अब वो बीटा बढ़ के बड़ा हो गया और ये फॉर्मूला बता रहा है हमें कि अगर कैपिटल डी बढ़ाओगे तो बीटा बढ़ेगा। तो इन तीनों फैक्टर्स पे बीटा इस तरीके से डिपेंड कर रहा होता। अब यहां पे हम एक टर्म और डिफाइन करेंगे जिसे हम बोलेंगे एंगुलर विड्थ या एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस। उसका क्या मतलब है, उस पर हम आते हैं। देखिए, अब अगर मैं यहां पे एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, उसको अक्सर हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दरअसल इसका मतलब तो क्या है कि आपको सेंटर ऑफ S1 S2 से कितना एंगल बढ़ाना पड़ेगा उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा से इंक्रीज हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इंक्रीज इन एंगुलर पोजीशन, जैसे लीनियर पोजीशन y थी ऐसे स्क्रीन पे एक एंगुलर पोजीशन भी होगी। अब इस डायग्राम को दोबारा बनाएंगे, इंक्रीज इन एंगुलर पोजीशन टू गेट द पाथ डिफरेंस इंक्रीज्ड बाई लैम्डा, इंक्रीज इन एंगुलर पोजिशन टू गेट द पाथ डिफरेंस इंक्रीज्ड बाई लैम्डा। क्या मतलब है, अभी मैं दिखाता हूं कि एंगुलर पोजिशन क्या होती है स्क्रीन पे, कैसे हम बनाते हैं।
ये तो हम मिटा नहीं रहे, स्क्रीन तो दोबारा कौन बनाएगा, यहीं से देख लेते हैं। आप देख लो, रंग से लिख लो, इंक्रीज इन एंगुलर पोजिशन टू गेट द पाथ डिफरेंस इंक्रीज बाई लैम्डा। क्या मतलब है अब इसका, वो देखते हैं। ये आपका सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, यहां पे S1 है एंड यहां पे S2 है। लीनियर पोजीशन तो थी सेंटर ऑफ द स्क्रीन से यूं, और एंगुलर पोजीशन होती है सेंटर ऑफ S1 S2 से आप कितने एंगल पे हो। देखो बिल्कुल, अगर आप यहां देखते हो, यहां इस सामने वाली लाइन के साथ मुझे एंगल देखने हैं, इस लाइन के साथ मुझे एंगल देखने हैं, सेंटर ऑफ S1 S2 को C पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तो इससे कितना एंगल मैं चलूं। बिल्कुल अगर मैं यहां देखता हूं तो थीटा जीरो है और पार्ट डिफरेंस है जीरो। हमने कहा कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा बढ़ाने के लिए आपको कितना एंगल टर्न करना पड़ेगा, एंगुलर पोजीशन में क्या चेंज आएगा, तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा यहां है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको यूं जाना पड़ेगा। तो आप यहां से उठ के यहां गए तो दिस इज कॉल्ड थीटा, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस और एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस। या आप यूं कहें, दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का एंगुलर सेपरेशन ही थीटा है। अब दिख रहा है, ये पहली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है और ये फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है, दोनों के सेंटर्स के बीच का एंगुलर सेपरेशन है S1 S2, दैट इज थीटा। अब थीटा को निकालना बड़ा आसान है, ये दूरी है d एंड ये है बीटा, तो अगर मैं टेन थीटा का यूज करूं इस ट्रायंगल में तो टेन थीटा मेरा निकल के आ रहा है बीटा बाई डी। अगर हम बीटा की वैल्यू पुट करें तो बीटा जो हमने आज निकाला है दैट इज लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इनटू कैपिटल डी और डिवाइडेड बाई डी, डी से डी गया, टेन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। अब हमने एक चीज लिखी थी कि ये पॉइंट बहुत दूर नहीं होते हैं, तो थीटा इज वेरी स्मॉल, तो फॉर स्मॉल एंगल टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो हमारा ये आ गया थीटा इज नियरली लैम्डा बाई डी। तो इसमें दो बातें हैं, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इफ डी इज कांस्टेंट एंड थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी इफ लैम्डा इज कांस्टेंट। मेन बात है ये जो थीटा आया है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी, ये जो थीटा निकल के आया है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी कि स्क्रीन कितनी दूर है या कितनी पास है। अब इस चीज को हम यहां अगर देखें डायग्राम से, अगर मैं देखूं इसको हटाता हूं मैं, स्क्रीन दूर करने से कि क्यों थीटा पे फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन बीटा पे फर्क पड़ा है, उस चीज पे हम नजर डालेंगे अभी। ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्या होती हैं, कितनी दूर तक कैसे है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज फ्रिंज विड्थ लाइन विड्थ। अब देखो मान लो ये आपका अरेंजमेंट है S1 S2 और ये मेन सोर्स S, सिमेट्रिकली लोकेटेड है, जब तक ना बोला जाए सिमेट्रिकली होगा, हम पढ़ेंगे कि अगर ये कहीं और हो तो क्या होगा। देखिए सपोज ये स्क्रीन यहां पे है एट अ डिस्टेंस d1 और मैं कहता हूं कि ये तो सेंट्रल मैक्सिमम होगा ही होगा, और सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, मींस यहां डेल्टा एक्स जीरो था और यहां डेल्टा एक्स था लैम्डा और ये दूरी थी कैपिटल स्मॉल डी सॉरी। अब अगर मैं स्क्रीन को दूर कर दूं, अगर मैं स्क्रीन कुछ दूरी पे बना दूं और मान लीजिए मैंने स्क्रीन बना दी डी टू, तो ये तो यही रहेगा लेकिन आप खुद देखो कि ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा दूर चला गया। तो अगर मैं देखता हूं पहले, अगर मैं बीटा देखूं, अब डेल्टा एक्स जीरो यहां है और डेल्टा एक्स लैम्डा यहां है, तो पहले अगर मैं बीटा देखूं सो दिस इज बीटा वन, लेकिन अगर आप यहां देखते हैं तो दिस इज बीटा टू, तो बीटा में बड़ा डिफरेंस आ गया, लेकिन एंगल देखो दोनों के लिए थीटा सेम है, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, तो ये क्यों फॉर्मूले इस तरह के आए और क्या उसका फिजिकल रियलाइजेशन है। बीटा के फॉर्मूले में तो ये कैपिटल डी आ रहा था, थीटा के फॉर्मूले में नहीं आ रहा है, तो वो चीज हमें इस डायग्राम से समझ भी आनी चाहिए कि क्यों आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो आप अपनी बुक में एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक सोल्ड एग्जाम्पल है,
वो निकालिए, जस्ट एक पार्ट हम यहाँ देखते हैं, बाकी आप फिर अपना होमवर्क मानिए उसे ट्राई कीजिए। एनसीईआरटी पेज नंबर 366 एग्जांपल 10.4, 10.3 तो बीटा का फॉर्मूला लगाना है आप कर लेंगे, 10.3 भी आप ट्राई करेंगे, केवल बीटा का एक्सप्रेशन यूज करना है। अभी मैं आ रहा हूं एनसीईआरटी पेज नंबर 366 एग्जाम्पल 10.4, 10.3 आप कर लेंगे अपने आप। इसका ये पार्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन अ वाईडीएससी ड्यू टू द फॉलोइंग ऑपरेशन। अब इसमें छह पार्ट है, बाकी होमवर्क रहेगा, बस एक पार्ट हम देख रहे हैं। स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, दिस इज द प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंड स्क्रीन बहुत दूर ले गए, तो बोर्ड पे यही पार्ट बना हुआ, तो स्क्रीन दूर ले जाने का मतलब है कि डी इज इंक्रीज्ड। बोर्ड एग्जाम में आए तो लिखना आना चाहिए ढंग से कि क्या हुआ है क्या नहीं, फॉर्मूले लिखो, ये बताओ, डायग्राम से बताओ, डी इज इंक्रीज, तो डी इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ। अब इसका आंसर पढ़िए, एंगुलर सेपरेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो डायग्राम में हमने दिखाया कि थीटा तो कॉन्स्टेंट है, द एक्चुअल सेपरेशन वो इंक्रीज हो जाएगा, वो इसके प्रोपोर्शन में बढ़ेगा कितना डिस्टेंस बढ़ा है, क्योंकि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डी के, तो ये सब तो कॉन्स्टेंट है। अगर मैं इसको थीटा रखूं तो बीटा आपका आया थीटा इंटू डी, अब इस केस में थीटा तो कांस्टेंट है, यू कैन से बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, तो आप डी को डबल करोगे तो बीटा डबल हो जाएगा। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। अब इसमें छह पार्ट है ए बी सी डी ई एफ, तो आप बाकी पार्ट अपने ट्राई करेंगे। अब मुझे लगता है कि थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में आपको लीनियर फ्रिंज सेपरेशन मीन्स बीटा, एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन मीन्स थीटा, और एक बीच में टर्म आई लाइन विड्थ, शायद ये चीजें क्लियर होगी होंगी कि ये क्या होती है। थैंक यू।